जाबिद अली रेखी साहब ने तरीक इल्तवा जाबिद अली रेखी साहब ने पेश किए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो हाल ही में 2 तारीख को उत्तल के मकाम पे पेश आया, ये हमारे लिए और इस कौम के लिए एक दर्दनाक वाकया है। इससे पहले भी जैसे जेरे ने भी कहा, दूसरे दोस्तों ने कहा कि यहाँ हमारे सैकड़ों लोग इसी रोड की नज़र हो गए, जिसमें मेरा एक भाई भी इसी रोड के एक्सीडेंट में वट के नज़दीक शहीद हुए थे, वो भी इसी रोड की वजह से। तो जनाब वाला गुजारिश ये है कि ये इस खूनी रोड का बार बार हम कह रहे हैं, अभी हम बात करते हैं, फिर हमारे दोस्त प्यारे भाई मेरे मुबीन वो वहाँ से नाराज़ होते हैं, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ 2000 मार्च 2019 में यहाँ ये हमारे मिनिस्टर साहब हम बैठे हुए, मिठा खान साहब को याद होगा, शायद शाह साहब उसमें थे, दनेश कुमार तो मुझे याद है कि उस प्रोग्राम में था, नबी मुबीन भी था, कि कुचला के मकाम पे जोब और क्वेटा सेक्शन का इफ्तिताह किया गया था कि अनकरीब, और मार्च 2019 दो साल हो गए, दो साल में मार्च 2019 से लेके 2 साल हो गए आज तक, अगर मुझे कोई दोस्त बता दे या गवर्नमेंट का कोई बंदा बता दे जो यहाँ उठ के कहते हैं कि जी हमारे लिए ये हुआ है वो हुआ है, एक एक ईंट कहीं दिखा दे कि इस रोड पे हुआ है, आप भले दिखा दे, आप मुझे इशारा नहीं करे, आप बिल्कुल कह सकते हो, आप मेरे भाई हो, आप बहुत कुछ कह सकते हो, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनमें से ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। रेखी साहब चेयर को एड्रेस करें आप। सर आप मुझे देख ले। जी सर, रेखी साहब। जी सर, जनाब स्पीकर साहब, इस रोड पे खुजदार में हम दरमियान में हम हैं, यहाँ से 300 किलोमीटर के करीब खुजदार और बेला जो है ना वहाँ से 325 किलोमीटर हम दरमियान में बैठे हुए, बखुदा जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादातर जो है ना रेस्क्यू खुजदार की तरफ होता है, खुजदार हॉस्पिटल की तरफ होता है, और वहाँ हम खुद जाते हैं और शहरी भी जाते हैं, वहाँ के दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग हम जाते हैं, वहाँ लोगों को तड़पता देख रहे हैं, जख्मियों को, और वहाँ लाशों पे हम बच्चों के लाशों पे, औरतों के लाशों को और मर्दों के लाशों को उनको देखते हैं, दिल खून के आंसू होता है। बखुदा हम रेस्क्यू किस तरीके से उनको करते हैं वो हमें पता है कि हम किसी का शक्ल भी नहीं दे सकते, किसी को उठाने के लिए हमारे हाथों में सकत नहीं होता कि हम इनको उठा लें। खुदारा हम यही कह रहे हैं कि हम और कुछ नहीं कह रहे, हमें कुछ नहीं दो, इस रोड को तो डबल करवा दे, इसके लिए इतने वादे किए गए, अभी इन्होंने रखा है खुजदार के लिए सेक्शन के लिए 1 अरब रुपए, आप मुझे बता दे 700 किलोमीटर रोड को 1 अरब रुपए में बन सकता है, ये मजाक नहीं है हमारे साथ, और वो 1 अरब रुपए भी मुझे यकीन है कि ये नहीं आएगा। पिछले मरतबा जो बजट गुजरा उसमें भी इन्होंने 2 अरब रखे थे कि जी खुजदार को बाईपास कर लेंगे, अभी आप पूछ ले मिठा खान साहब बैठे हुए, मिठा खान साहब आपको पता होगा, मुबीन साहब दूसरे फिर कहते हैं कि जी आप हम पे तनकीद करते हो, कहाँ गए वो 2 अरब रुपए, जोब का रोड कहाँ गया, चमन से कराची का रोड वो कहाँ चला गया, जब आपकी बारी आ जाए आप बोल देना कोई टेंडर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, और ये रोड इंशाल्लाह जब तक हम और आप है ये रोड नहीं बनेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, और जब तक ये गवर्नमेंट है, जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में कोई चीज नहीं बनेगा, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आज तक मुझे सीपैक में आप एक चीज दिखा दे, मगरबी रोड का जो इफ्तिताह किया गया था कहां गया, सीपैक में एक ईंट भी इन्होंने हमारे लिए नहीं रखा है, और कराची से लेके इस्लामाबाद तक मोटरवेज बन रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? इतना हम कोरोना में नहीं मरे हैं, इतना हम कोरोना में नहीं मरे जितना इस रोड की वजह से हम मरे हैं। कोरोना में हम पे अरबों रुपए हमारे नाम पे खाया गया, अरबों रुपए अपने जेबों में इन्हीं लोगों ने अपने जेबों में डाल दिया, और उन्हीं अरबों रुपयों में से अगर यही हमारे रोड पे लगा लेते हम भाड़ में जाते, हम कोरोना से मरते, इस जिंदगी से तो यह था कि जब तड़पते लाशों को, आप जनाब स्पीकर आप एक लाश को देखोगे, आप उन जख्मियों को देखोगे, और हम खुजार में बैठे बखुदा हम जिस तरह देख रहे हैं, आप अगर किसी के दिल में कोई हमदर्दी है तो इन चीजों को वो देख ले। और उसके अलावा खुजार में हमने एक ट्रामा सेंटर
खुजदार के मिड खुजदार में जो पैसे हमें पीपीएल से कहीं से मिले थे कि एमपीए और एमए ने इन पैसों को अपने ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर ले, उन पैसों को हमने जनाब स्पीकर हमने और कुछ नहीं किया, हमने एक ट्रामा सेंटर के लिए दिया, ना हमने अपने लिए किसी वोटर को खुश करने के लिए लगाया, ना किसी और के लिए लगाया, हमने ट्रामा सेंटर के लिए। अभी 1.5 साल से वो ट्रामा सेंटर तैयार है, लेकिन इस गवर्नमेंट का हट धर्मी है कि उसमें मशीनरी और इक्विपमेंट वो नहीं दे रहे। वो ट्रामा सेंटर हमने अपना जमीन लेके अपना पैसा खर्च करके 2 करोड़ रुपए खर्च करके वो ट्रामा सेंटर हमने उसके लिए बनाया, इन्हीं लोगों के लिए बनाया कि एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारा अस्पताल इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक कोच में 40 से 45 बंदे होते हैं, जब उनको रेस्क्यू करते हैं हमारे पास तो इतने बेड नहीं है कि हम इनको रेस्क्यू करें। एम्बुलेंस का तो नाम ही नहीं है, एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस है टोटल उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, 3 एम्बुलेंस से हम किस किस को रेस्क्यू करेंगे। हमने खुद अपने पैसों से पीपीएल ने जो हमारे शेयर दिए थे खुजदार के, उसमें से हमने ट्रामा सेंटर बनाया। खुदारा इनको इतना तो होना चाहिए कि उस ट्रामा सेंटर को स्टार्ट तो करे, उसके लिए कमिट्स तो दे दे। बार बार आते हैं जी, विजिट करते हैं, वजीर तालीम आके वजीर सेहत आके विजिट किया, सेक्रेटरी सेहत आ गया, डीजी आ गया, दूसरा आ गया, गया बस जी अभी 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा। इसके लिए आप मेहरबानी करके एक रूलिंग दे दे कि ट्रामा सेंटर को तैयार करके हमें दे दे। हमें पता है कि इस गवर्नमेंट से ना रोड बनेगा, हम इसी तरह मरते रहेंगे और हमारी लाशें उठते रहेंगे। जनाब थैंक यू, जनाब शुक्रिया। जिनका नाम आएगा उसी को मैं बता दूँ, जिनका नाम आएगा उसी को बारी बारी तरीके के साथ आओ चलेगा।